हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज़। मैं हूं निहारिका और आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। समर सीज़न में अगर मैंगो का कोई डिज़र्ट नहीं खाया तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। तो आज मैं आपके लिए एक और मैंगो डिज़र्ट बना रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो रस मलाई। इसमें मैंगो हम कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे इसके लिए पूरा वीडियो आप देखिएगा। शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि दूध इसमें चिपके ना। और इसी के बाद मैं डाल रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml इसमें दूध। दूध को फुल फ्लेम पे आप गर्म होने दीजिए, अच्छे से इसमें उबाल आने दीजिए। दूध में उबाल आए उसी से पहले हम डाल रहे हैं 4 बड़े चम्मच शुगर। आप चाहें तो 4 बड़े चम्मच मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उससे भी। अब मिल्क को धीरे धीरे बॉईल होने दीजिए। जैसे ही मिल्क अच्छे से बॉईल होगा तब हम इसके अंदर आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। रस मलाई के दूध को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब, बड़े 2 चम्मच हम यहाँ पे ले लेंगे कस्टर्ड पाउडर। केसर पिस्ता या मैंगो फ्लेवर का भी अवेलेबल है अब कस्टर्ड, तो आप उसे यूज़ करें। उसी के साथ उसके अंदर डाल दीजिए 2 से 4 चम्मच दूध और इसे एक स्लरी फॉर्म में बना लें, डाइल्यूट कर लें आप। ऐसा करने से आपका जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल लम्प फ्री रहेगा और फिर आप उसे दूध में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूध। दूध यहाँ पे उबाल आने लगा है, तो जैसे ही दूध के अंदर उबाल आने लगे आप धीरे धीरे इसके अंदर अपना कस्टर्ड मिक्स डाल दीजिए। हमने जो कस्टर्ड को डाइल्यूट किया है अब हम उसे धीरे धीरे डालेंगे। अच्छे से बॉईल आने के बाद ही आपको कस्टर्ड डालना है। और जब आप कस्टर्ड डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डालें, यानी जो भी हमने बनाया है उसे 2 से 3 पार्ट्स में डालें और नीचे तक अपने पैन को चलाते रहें। कस्टर्ड नीचे जाके बैठ जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है, इस बात का खास ख्याल रखें आप। और पूरी तरह से पैन को नीचे तक बॉटम से चलाते रहें। मैंने इस पैन के अंदर पहले ही पानी इसीलिए डाला था जिससे हमारा दूध या कस्टर्ड ना जले, आप भी इस बात का ध्यान रखें। 5 मिनट बॉईल करने पे हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक हो गया है। अब हम इसे यहीं पे थोड़ा ठंडा करेंगे। गैस ऑफ कर ली है और मैं लगातार इसे चला रही हूँ जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए। आप इसे फैन के नीचे भी रख के ठंडा कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसे फ्रिज में रखते हैं। अब हम बनाते हैं एक मैंगो स्लरी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ फ्रेश क्रीम, घर की फ्रेश क्रीम है ये। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच शुगर, क्योंकि इस मैंगो क्रीम को हम थोड़ा सा मीठा बनाएंगे इसलिए इसके अंदर शुगर डालें। और आप इसके अंदर आधे मैंगो के पीसेस डाल दें, आप जितना मैंगो पसंद करें तो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अल्फांजो यूज़ किया है, आप चाहें तो जो भी आपके पसंद का मैंगो हो वो डाल सकते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ली है, 6 ब्रेड के स्लाइसेस हैं जिनके मैंने एजेस रिमूव कर लिए हैं और उसको ब्रेड क्रम्स में मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब इन ब्रेड्स के ऊपर आप अपनी मैंगो क्रीम को अप्लाई कर दीजिए। इस मैंगो क्रीम में अल्फांजो का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर हल्की सी शुगर हमने डाली है और जो क्रीम है उससे ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। सारी ब्रेड के डबल डबल स्लाइसेस में आप बना लीजिए। मैंने इसके एजेस इसीलिए रिमूव करे हैं जिससे ये दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में अच्छे लगे। आप ब्रेड फ्रेश यूज़ करिएगा, 2 या 4 दिन पुरानी ब्रेड से आपकी ब्रेड टूट जाएगी जब आप ये स्प्रेड लगाएंगे। अब हम इन ब्रेड्स को ट्राइंगल में काट लेंगे। आप अपने मन मुताबिक ट्राइंगल्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मैं थोड़े बड़े ट्राइंगल्स को कट कर रही हूँ। अच्छे ब्रेड नाइफ का यूज़ करें जब भी आप ब्रेड को कट करें। यहाँ मेरी ब्रेड्स बिल्कुल तैयार हैं, तो अब हम एक प्लेटिंग डिश ले लेते हैं। इसके अंदर आप अपनी सारी ब्रेड्स को लगा दीजिए, जिस भी चाहें आप शेप में लगा दें। आपको जैसे भी इसे प्रेजेंट करना हो आप इन्हें लगा सकते हैं। 2-3 तरह से मैं यहाँ लगा के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मेरा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब इस कस्टर्ड को मैं अपनी ब्रेड्स के ऊपर डालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने पूरी ब्रेड्स को इसके अंदर डिश में लगा लिया है और इसके ऊपर अब आप कस्टर्ड को पोर कर लें। आप पहले भी कस्टर्ड ठंडा कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरी डिश को कम्प्लीट करके, यानी मैंगो रस मलाई को पूरी तरह से कम्प्लीट करके फिर भी आप इसे ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एक लेयर अच्छे से कस्टर्ड लगा दिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ हर ब्रेड स्लाइस के ऊपर जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर आए।
अब आप इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़े से नट्स, जो भी आपके पसंदीदा नट्स हों, जैसे बादाम के फ्लेक्स हों, पिस्ता के फ्लेक्स हों, या आप इसके ऊपर काजू लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस डिश के अंदर आप जितनी चाहें इसके अंदर जो कस्टर्ड मिल्क बनाया है हमने, या जो थिक मिल्क बनाया है, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। अब आप अपनी ब्रेड रस मलाई को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ठंडी होने के बाद जब आप इसे इंजॉय करेंगे तो यह आपको बहुत अच्छी लगेगी, और इसका जो दूध है जिसमें थिकनेस आ जाएगी उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे और इसका जो बचा हुआ मिल्क है वो पूरा डाल रही हूँ। थिक मिल्क से जितनी हमारी ब्रेड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। याद रखिएगा, आपकी ब्रेड पूरी तरह से भीग जानी चाहिए इसके अंदर जो हमने मिल्क बनाया है। 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे सर्व करें और इंजॉय करें। जब आप इसे खाएंगे तो आपको मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और जो कस्टर्ड है उसमें भी मैंगो का फ्लेवर है, तो आपको ये इतनी बेहतरीन लगेगी, किसी और रसमलाई से ज़्यादा आपकी ये फेवरेट हो जाएगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ चेक माई प्लेलिस्ट फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।